फ्रेंड्स, आप देख सकते हो मैंने बाटी इधर उबाल ली है, दाल अंदर बना ली है और बाटी ठंडी हो रही है। इधर कंडे जल रहे हैं, कंडे जल जाएंगे उसके बाद ये बाटी उसमें रखेंगे कंडे उन में और सेकेंगे। फ्रेंड्स, आप सबको गुड मॉर्निंग, जय श्री कृष्णा। आप कैसे हो? हाँ, आज हम मैं बनाने जा रही हूँ, दाल बाटी बना रही हूँ मैं, क्योंकि बारिश का मौसम है तो दाल बाटी खाना तो बनता है। देखिए, ये बारिश का मौसम है और मैंने यहाँ पर बीजे रखे हैं अम्माड़ी के भाजी का, तो वो मुझे बोना है, तो वो भाजी के मैं बो दूँगी ताकि हम जब हमारा खाने का मन हो हम भाजी बनाकर खा सकते हैं। दाल भाजी तुअर की दाल में बनती है, खड़े मसाले डालकर और थोड़ी कच्ची पक्की दाल को चुड़ा लो और उसमें अम्माड़ी की भाजी एक बॉईल लेकर उसका पानी निचोड़ कर वो भाजी आप डालो उस दाल में और अच्छे से पका लो। दाल को ज़्यादा नहीं गलाना है, थोड़ी कच्ची रहन देना है और फिर आप जो अच्छा क्वालिटी का मीठा तेल आता है ना, आप वो डाल के और ज्वार की रोटी बना लो, चाहे गेहूं की, मक्के की, आप किसी के साथ भी खा सकते हो अम्माड़ी की भाजी दाल। तो हम वही लगाएंगे क्योंकि हमारे यहाँ दो झाड़ तो लगे हुए हैं, क्योंकि बीजे में तोड़ के लाई थी खेत से तो वो जैसे बिखर गए थे तो वो लग चुके हैं, उग चुके हैं, तो वो छोटे छोटे हैं तो अभी आपको ठीक से नहीं दिखेंगे, पर बड़े हो जाएंगे तो मैं आपको दिखाऊंगी। हाँ, और ये बीजे में बोऊंगी, साथ में तुअर भी बोना है, तो तुअर मेरे को ढूंढना है ताकि तुअर फली की सब्जी भी हम लोग बना सकते हैं, निलवा की बोलते हैं ना वो, तो निलवे भी बना सकते हैं। इसलिए मुझे अम्माड़ी की बीजे और तुअर और बीन्स ये तीन से चार चीज़ें बोनी है और खीरा भी बो देंगे हम लोग, क्योंकि खीरे के बीजे भी है तो वो भी बो देंगे, तो खीरा मतलब सलाद के लिए अच्छा लगता है खाने के लिए, वो बो देंगे तो खाने में आसानी रहेगी, अच्छा रहेगा। तो ठीक है फ्रेंड्स, आप वीडियो में बने। तो फ्रेंड्स देखिए, अभी हम थोड़ी सी जितनी सीखेगी अभी उतनी इस्तेमाल करते हैं, बाटी उतनी सेक लेते हैं ताकि इस विनय के पापा आ जाए वो भी खा सके, क्योंकि उन्होंने काम पे गए हैं इसलिए मुझे बाटी सेकना ज़रूरी है। तो जितनी सीखेगी मैं उतनी अभी सेक लेती हूँ, जितने कंडे तैयार हो चुके हैं उसमें, बाकी के तैयार हो रहे हैं कच्चे पक्के हैं तो उन्हें वो जल जाएंगे तभी बाटी, क्योंकि ऐसे में धुआड़ी भी बन सकती है, धुआँ लगता है ना, तो धुएँ वाली बाटी अच्छी नहीं लगती है, जो बिना धुएँ के अच्छे कंडे पूरे पक जाते हैं ना उसी में बाटी सेकते हैं तो वो ज़्यादा टेस्टी लगती है, तो इसलिए मैं सेक रही हूँ, थोड़ी थोड़ी करके सेकूँगी तो सिक जाएगी हमारी बाटी और हमारे कंडे घटे ना, इसलिए मैंने उसमें एक दो टुकड़े और लगा दिए है कि बाटी कच्ची नहीं रहे, क्योंकि बारिश का मौसम है, अंगार जल्दी ठंडी पड़ जाती है, गर्मी में तो ठंडी नहीं पड़ती। थोड़ा आप दो एक कंडे में भी बाटी बना सकते हो, दो कंडे में भी बाटी बना सकते हो और हमारे यहाँ कंडे तो इतने बड़े बड़े हैं क्या बताएं आपको, आप खुद ही सोच सकते हो। तो देखिए मैं यहाँ पे खोल रही हूँ, बस वीडियो में इतना ही, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, न्यू आए तो सब्सक्राइब कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। ठीक है फ्रेंड्स, बाय बाय।